अगर आपको सच में नहीं समझ में आ रहा है कैसे छोड़े, क्या करें, क्यों करें, क्या हो रहा है आपके साथ, क्यों आपका दिमाग कम हो रहा है, क्यों आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं होते थे तुम, लेकिन अब होने लगे हो। पहले छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस नहीं होते थे, अब होने लगे हो। पहले छोटी छोटी बातों को लेकर के सोचते नहीं थे, लेकिन अब सोचने लगे हो। तुम्हारा ना सब कुछ एकदम खत्म होता जा रहा है। तुम जो है ना दोस्त, खत्म होते जा रहे हो। आपका दिमाग इस वीडियो को देखने नहीं देगा, लेकिन अगर आप अपने आप को रोक के इस वीडियो को देख लेते हो, तो सच में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये पॉर्न एडिक्शन जो है, या फिर जो मास्टरबेट करते हो, ये सब कुछ छोड़ दोगे। जो आपका एडिक्शन है ना, ये बिल्कुल कम हो जाएगा। जो आपका मन है ना, यहाँ से वहाँ भागता है, ये क्यों भागता है, आपका डोपामिन क्यों रिलीज हो रहा है इतना, आप क्यों इतना पागल हो रहे हो, हर एक चीज़ को मैं बताने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ कि इस चीज़ को आप कैसे छोड़ सकते हो, आप फिर से अपने आप को पहले जैसा कैसे कर सकते हो। मुझे पता है कि आपको लगता है कि अब पहले जैसा कुछ नहीं है, पहले मैं हर एक चीज़ समझ जाता था, पहले मुझे सब कुछ समझ में आता था, पहले मेरा दिमाग बहुत तेज़ काम करता था, हर एक चीज़ को मैं ना बड़े आसानी समझ जाता था, कोई भी जो ना उसको मैं बहुत अच्छे से याद कर लेता, लेकिन अब आपको कुछ नहीं याद रहता है। इन सब की वजह है मेरे दोस्त ये आपका पॉर्न एडिक्शन। आप जो ये पॉर्न देखते हो ना, इसकी वजह से। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके दिमाग में जो है ये क्यों इतना असर करता है, क्यों इतना जो है आपको एकदम पागल कर देता है। तो देखो दोस्त, आपको मैं बता दूं, और आपको तो पहले से ही पता होगा क्योंकि यार आपने बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी, तो पहले से ही आपको पता होगा कि जो ये पॉर्न होता है ना, ये आपके दिमाग में ना डोपामिन रिलीज करता है, जो कि ये डोपामिन ना गांजा, अफीम, चरस और दारू, ये सब पीने से जो है ना, ये डोपामिन जो आपके दिमाग में आता है, जो मज़ा आपको ये आता है ना, वही डोपामिन आपके दिमाग में जब आप पॉर्न देखते हो ना, तो तब रिलीज होता है। और इतना ही नहीं, 5 गुना ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है। और आप क्या करते हो ना, जब रिलीज होने लगता है तो पहले एक वीडियो देखते हो तो हल्का हल्का रिलीज होता है, फिर उसके बाद में जब दूसरी देखते हो ना तो और ज़्यादा रिलीज होने लगता है, और जब तीसरी देखते हो तो और ज़्यादा मज़ा होता है। और सेटिस्फैक्शन के चक्कर में ना आप कई सारी वीडियोज़ देखने लगते हो, और आपको हो जाती है आदत, क्योंकि जो मज़ा 5 गुना आ रहा है यार, वो चीज़ और कहाँ आएगा। जब कहीं से नहीं आता तो आप वही देखने के लिए एकदम बेचैन होते हो, आपका दिमाग आपको बार बार ना वहीं ले जाके खड़ा करता है, अरे मोबाइल ले यार और देख, मोबाइल ले यार देख, बस यही देखने के चक्कर में ना आपकी जो है ना सेल्स, जो दिमाग की सेल्स होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। ठीक है, जो ये सोचने का डोपामिन जहाँ रिलीज होता है, वो दिमाग जो है अपने सोचने के, समझने के और आगे बढ़ने की जो होती है ना, वो डोपामिन एकदम वो वाला ना, मतलब दिमाग आपका जो है वो सिकुड़ने लगता है वो चीज़। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप ना पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहते हो, आप ना बाकियों से पीछे होने लगते हो, आपका दिमाग जो है ना वो छोटा होने लगता है, समझे। और यही वजह है कि आपकी बुद्धि कम हो जाती है और आपको सब कुछ समझ में नहीं आता है, और आपको पहले जैसा ये सब नहीं लगता है। ठीक है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हो, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील करते हो इसी वजह से। और बस इतना ही नहीं, आप ना हार्ड से हार्ड और जितना हो सके ना खतरनाक से खतरनाक और एकदम से ही ना इन सब चीज़ों के बारे में सोचें, तो और यही वजह है कि आपकी नज़र में ना हर एक लड़की आपको दिखने लगती है वैसे कि नहीं नहीं एक बार बस मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। यही सब वजह है कि आप लोग ना अपनी, मतलब कुछ भी दोस्त की बहन है उसको बहन नहीं समझ रहे हो, आपके दिमाग में ना बस सिर्फ हवस आ रहा है, यही वजह है मेरे दोस्त, समझे। और ये अगर तुमने बंद कर दिया ना, तो आप सच में कह रहे हैं बहुत ज़्यादा आगे चले जाओगे दोस्त, और आप ही ये कर सकते हो, समझे। आपको सबसे पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा इस चीज़ को छोड़ने के लिए ना, सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और आपको समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ आपके लिए सच में बुरा है। मुझे पता है कि आपको पता है कि ये आपके लिए बुरा है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, सब कुछ है, लेकिन नहीं होता है कंट्रोल, आई नो नहीं होता है कंट्रोल, और ये आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। और जिस दिन तुमने अपने आप को समझा लिया, समझ जाओ काम, आपको ये चीज़ नोटिस करना है, आप इसको किस टाइम देखते हो सबसे ज़्यादा, आपका जब मन करने लगता है ना उसी टाइम बस आपको ना कुछ और काम करने लग जाना है। ठीक है, कोई और चीज़ देख लो, वही जो डोपामिन वहाँ रिलीज होगा ना, वही आप किसी इन्फॉर्मेशन, कोई बुक पढ़ने लगो या कुछ और करने लगो, अपने आप को थोड़ा सा बिजी कर लो। ठीक है, जब ये चीज़ करोगे ना, आपके दिमाग को जब वो नहीं मिलेगा तो उसको समझ में आएगी, अरे हाँ यार ये ऐसा हो रहा है। और आपके दिमाग को सिर्फ और सिर्फ आप ही चला रहे हो, आपका दिमाग थोड़ी ना आपको चला रहा है, या फिर ये पॉन जो है वो तुमको चला रहा है, नहीं चला सकता है दोस्त, ये तुम हो, तुम समझते हो तुम क्या चीज हो, अरे खुद को देखो पहले, क्या ये छोटी मोटी चीजों को देखने के लिए, यही पॉर्न सुन, यही वीडियो देखने के लिए तुम पैदा हुए, यही सब के लिए तुम्हारी ये जो सपने थे तुमने देखे थे कि बड़ा होकर ये करूंगा वो करूंगा आगे बढ़ूंगा ऐसे बढ़ूंगा, ऐसे बढ़ोगे आगे तुम, ऐसे अपने आप को ले जाओगे आगे, नहीं ले जा पाओगे। इसलिए सबसे पहले इस चीज़ को त्यागो, इस चीज़ को छोड़ो, यही सबसे तुम्हारी ना बीच में आने वाली सबसे बड़ी अड़चन होती है ना, यही होती है इस उम्र की ना, यही एक अड़चन होती है। अगर इस चीज़ को पार करते हो फिर आगे जाके ना नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचोगे, ठीक है, घर गृहस्थी में पहुँचोगे। इसलिए मैं बोला सबसे पहले इस चीज़ को त्यागो। और जो कहते हो ना कि आज नहीं कल छोड़ दूंगा, कल से पक्का छोड़ दूंगा, ये वो कल कभी नहीं आने वाला है, वो कल आपको खुद बनाना पड़ता है, आपको खुद अपना कल खुद लिखना पड़ता है, समझे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अपने आप को ये कल नहीं
नहीं करूँगा, कल नहीं करूँगा, करना बंद करो, आज से, अभी से, इसी वक्त से मैं ये कहता हूँ कि मैं आज से नहीं करूँगा ये सब चीज़, समझे। और जब भी देखने का मन करेगा मैं नहीं देखूँगा, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात, आपको एक हफ्ते तक, मतलब ऐसा करना है ना कि एक हफ्ते में एक दिन के लिए ना डोपामीन आपके दिमाग में रिलीज ना हो, इस चीज़ को आपको रोकना है। आप क्या कर सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हो, कोई ना कोई अगर फालतू टाइम में बैठे हो तो अपने दोस्तों के पास जाके पहुँच जाओ या फिर उनसे बातें करो, ठीक है। और रात को जल्दी सोने का कोशिश किया करो, ठीक है। अगर रात को ज़्यादा देर तक सोते हो तो आपका ज़्यादा मन करता है, फ़ोन ज़्यादा मत यूज़ किया करो, ठीक है। कुछ दिन धीरे धीरे कम करोगे ना तो अपने आप इस चीज़ पर आप काबू पालोगे, और जब काबू पालोगे ना तब कहोगे कि हाँ हिमांशु भाई ने सही कहा था। और मेरे दोस्त, ये रोज़ रोज़ लोग कहते हैं ना कि नहीं आज से नहीं करूँगा, कल से नहीं करूँगा, परसों से नहीं करूँगा, ये सब चीज़ें सिर्फ बकवास है। जब तक आप अपने दिमाग से नहीं कहोगे ना कि आज से तुझे ये चीज़ नहीं करना है, आज से तुम्हें ये नहीं देखना, तुम्हें देखना है कि मैं कहाँ कहाँ पीछे जा रहा हूँ। यार तुम सच में पीछे जा रहे हो, अपने आप को क्यों नहीं समझ रहे हो? अभी तुमको मज़ा आ रहा है, मुझे पता है अभी तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मेरी बात तुमको बकवास लग रही है, बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, और सबकी बात बकवास लगती है। ये सिर्फ एक YouTube वीडियो नहीं है मेरे दोस्त, ये फीलिंग्स है मेरी आपके लिए। मैं नहीं चाहता हूँ आप भी बाकियों की तरह बर्बाद हो, अपने अपनी ना इन सब चीज़ों को ना ख़राब करो, आपका शरीर भी खराब हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने दिमाग को थोड़ा सा तेज़ करने के लिए, अपने आप को ना सही रास्ते पर सही जगह ले जाने के लिए ना आपको ये छोड़ना पड़ेगा दोस्त, और आप ये छोड़ सकते हो। आपसे बढ़ के ये सब चीज़ें नहीं है। ये एक फ़ोन है दोस्त, एक वेबसाइट है, और ये फ़ोटोज़ है, इन सबको शूट करने में पता है कितना टाइम लगता है, चार चार पाँच पाँच दिन का टाइम लगता है, हर एक चीज़ लगता है, और आपको ये आकर्षित करने के लिए है। अगर आप इस चीज़ को नहीं छोड़ोगे ना दोस्त, आपको ये छोड़ ये दुनिया छोड़ने पे मजबूर कर देगी, और आप ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे और अपने आप को नहीं समझ पाओगे, और एक दिन ऐसे करते करते तुम पागल हो जाओगे, समझे, और तुम बाकियों से चूतिया बनने रहोगे, बाप बनने के लायक भी नहीं रह पाओगे अगर यही सब देखते रहे, ठीक है, यही सब करते रहे। तो इन सब को छोड़ो, इन सब से बाहर भी एक दुनिया है, उस दुनिया में जाओ और अपने आप को ना आगे बढ़ाओ, जो करने के लिए दुनिया में आया हो ना वो चीज़ को करो। ये सब करने के लिए थोड़ी ना तुम पैदा हुए हो यार, एक ऐप तुम्हारे लिए, एक वेबसाइट तुम्हारे लिए, एक वीडियो तुम्हारे लिए इतनी खतरनाक हो गई है, इतना ज़्यादा वो हो गया है कि तुम उसी के पागल पागल हो गए हो, उसी के लिए तुम जी रहे हो, उसी के लिए तुम मर रहे हो, वही देखने के लिए तुम बेताब हो। मुझे पता है कि तुम उतना नहीं करते हो, मुझे पता है तुम उतना नहीं देखते हो, लेकिन फिर भी जो देखते हो ना बंद कर दो दोस्त। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताना, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा टेक केयर। आई होप कि आपकी हेल्प हुई होगी, अगर हेल्प हुई है तो नीचे कमेंट करके बता दो, मैं और भी ऐसी वीडियोस बना सकता हूँ, या फिर आप और किसी चीज़ पे ऐसी वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टाटा टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए।